यही मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल के मेडिसिंस में इतना साइड इफ़ेक्ट है, हम लोग को नहीं पता है। जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम लोग वो एंटीबायोटिक्स ले भी रहे हैं, अपने आप को जहर उसको एडिक्ट भी करा रहे हैं। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई तो उन्होंने टेस्ट वगैरह करा के मुझे एंटीबायोटिक्स लेने के लिए कहा था, जो कि हम लोग अवॉइड करना चाह रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। बताइए, इनको क्या प्रॉब्लम था और ये आपके पास कैसे किस तरीके से आए? ये हमारे पेशेंट हैं, माशाल्लाह से ये खुद बताएंगे कि इनको क्या मसले थे और इनका ट्रीटमेंट क्या हुआ, कैसे रिजल्ट्स मिले। कैसे पता चला कि यहाँ पर इलाज होता है? किस किस तरीके का इलाज होता है, आपको किस तरीके से पता चला? असल में मैं यूट्यूब में इनका वीडियो देखी थी, तो मैंने क्लिनिक पे कांटेक्ट किया, तो मैम ने बहुत अच्छी तरीके से बात की और उसके बाद मैंने क्लिनिक को विज़िट किया। असल में मैं प्रेग्नेंट थी 3 मंथ्स की, तो उस टाइम पे मुझे अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था और बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो बाद में मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई तो उन्होंने टेस्ट वगैरह करा के मुझे एंटीबायोटिक्स लेने के लिए कहा था, जो कि हम लोग अवॉइड करना चाह रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। उसके बाद एक दो तीन डॉक्टर्स को विज़िट करने के बाद सबने यही कहा कि आपको एंटीबायोटिक्स लेना है। हम लोग को ये डर था कि कहीं एंटीबायोटिक्स का बच्चे पर उसका साइड इफ़ेक्ट होंगे, तो उसके बाद हम लोगों को वीडियो मिला और मैम से कांटेक्ट करने के बाद हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट किया। आप यकीन करिए, मुझे बहुत इतनी तकलीफ़ थी कि मैं बैठ नहीं पा रही थी, खड़ नहीं पा रही थी पेन की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ फर्स्ट डे में एक 2 आवर्स मैंने इनकी जो रैपिड डोज है वो लिया था, एवरी 5-5 मिनट्स में 2-2 सिप पानी पीने का, तो तकलीफ़ तो कम हो गई। उसके बाद पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने शिफा भी दे दी। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी कराए मैम के पास, ये एक ही नहीं है, जैसे कि सीवियर यूटीआई प्रेगनेंसी में था उसका मैंने सारा ट्रीटमेंट लिया था। उसके बाद मैंने मेरे बेबी को भी कुछ बहुत एंगजाइटी की वजह से बॉर्न होने के बाद प्रॉब्लम था, उसके बाद मैम से मैंने मेडिसिन उसकी भी ली थी। अभी इंशाल्लाह मेरा वेट लॉस भी है जो प्रेगनेंसी का है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसका भी कुछ ट्रीटमेंट लूँ। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल के मेडिसिन्स में इतना साइड इफ़ेक्ट है, हम लोग को नहीं पता है। जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम लोग वो एंटीबायोटिक्स ले भी रहे हैं, अपने आप को जहर उसको एडिक्ट भी करा रहे हैं। तो मैं लोगों से यही कहूँगी, जितना हो सके हम लोगों को नेचर की तरफ आना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी कर सकता है। और मैं ये ट्रीटमेंट कराने के बाद मैं नहीं समझती कि मुझे कभी MBBS डॉक्टर्स के पास या एलोपैथी कराने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंशाल्लाह मैंने देखा है रिजल्ट्स और मैं आपको भी कहूँगी आप बहुत जल्दी रिजल्ट्स देखेंगे अगर ट्रीटमेंट कराएंगे तो। ज़रूर क्लिनिक से कांटेक्ट करिए और मैम से राबिता कायम करिए। मैं ख़ास तौर से इनके सोप्स जो हैं उसको रेकमेंड करूँगी। असल में जिन लोगों को मेलाज़मा है उनके लिए तो ख़ास तौर से उपटन के इनके बहुत अच्छे सोप्स हैं, जो अच्छे प्राइस में भी अवेलेबल हैं और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ये ख़ास तौर से मैंने यूज़ किया और अभी मैं यूज़ भी कर रही हूँ, और मैं 2-3 एक्स्ट्रा भी लेके रखती हूँ कि कहीं ख़त्म ना हो जाए। और इसके अलग अलग वैरायटीज़ हैं, अभी मैंने नया सैफ्रॉन का भी ट्राई लिया है, बट ट्राई तो नहीं किया, तो आप मैम से पूछिए और वो जो जिस प्रॉब्लम के लिए जो रेकमेंड करें वो सही है। बताइए मैडम, क्या हुआ था इनको, क्या प्रॉब्लम था और कितने महीनों से प्रॉब्लम था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ डॉक्टर अर्शिया फिरदौस, इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर। ये पेशेंट हैं हमारे पास, पाइल्स फिस्टुला और फेशियर का केस लेके आए थे। 1 साल 1.5 साल तक बाहर करा रहे थे, बट रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए। फिर माशाल्लाह हमारे पास फ्यू मंथ्स मेडिसिन लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीटली क्योर हो गया है, तो पेशेंट से जानते हैं उनके फीडबैक के बारे में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं पल्स ऑफिशर के वास्ते 1 साल से इलाज करा रही थी, काम भी इसका क्योर नहीं हुआ करके दिखा है। 1 ईयर के बाद इनके पास है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरा पूरा क्योर हो गया है। आपको कैसे पता चला मैम कि यहाँ पर इस तरीके का इलाज होता है? मैं फैमिली फ्रेंड सर्कल से मालूम पड़ा, उसमें हम पूछताछ करके आए।
आपकी फैमिली के वाले भी कोई इलाज कराए थे क्या हमारे पास? उनका रिजल्ट आया था क्या? आप अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं सब, इसका ये है ट्रीटमेंट करके सुनकर यहाँ आए अली, उन्होंने बोले अच्छा अच्छा पूरा सब किसका है, अच्छा क्योर होता है करके बोले, वो सुन के यहाँ पे। मैडम आपको क्या फील होता है दूसरे हॉस्पिटलों में जब आप घूम रहे थे, कई सारे हॉस्पिटल शायद घूमे हैं, तो आपको वहाँ में और यहाँ में क्या फ़र्क है? वो जब बाहर है तो वो थोड़े दिन का रिलीफ है, ये कंटिन्यूस इसका ट्रीटमेंट करने के बाद तो एकदम कंप्लीट रिलीफ हो गया, वो एक टेंशन चले गई, अब फिर से क्या अभी फिर नहीं होगा करके एक टेंशन फ्री हो गया। क्या लगता है मैम यहाँ पर इस तरीके का जब इलाज हो रहा है तो पैसे भी आपके पास ज़्यादा लिए होंगे या चार्ज ज़्यादा किए होंगे, तो उसके बारे में? चार्ज तो थोड़ा ज़्यादा ही है मगर इलाज तो कंप्लीट हो गया, अब सर्जरी से तो बेहतर, बिना सर्जरी के पूरा क्योर हुआ है वही। आपका कहने का मतलब है सर्जरी के बिना पूरा क्योर हुआ, ऑपरेशन करना था? हाँ, इनको डॉक्टर सजेस्ट करे थे सर्जरी के वास्ते, हालांकि एक दो हुए भी हैं शायद, मतलब आयुर्वेदा में जो क्षार सूत्रा है होता है, एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, वो करने के बावजूद भी इनको वापस हो गया था प्रॉब्लम। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट भी हमारा स्टॉप करके ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो गए होंगे, तो 3 मंथ्स हो गए ऑलमोस्ट, तो फिर अभी उनको लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज़ ऑलरेडी फिट एंड फाइन एंड डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। पेशेंट होते हैं, कई सारे हॉस्पिटलों में घूमते रहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? ये बाहर कराने से होम्योपैथी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी 100% क्योर है बोलते हैं, 100 कराना चाहिए यहीं पे। इतने बार फिरने से वन टाइम ट्रीटमेंट, मगर थोड़े वक्त लगेगा, बी शुड बी पेशेंस, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा 100% क्योर हुआ। अगर आपके फैमिली मेंबर्स हों तो इस तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या रेफ़र करेंगे इस हॉस्पिटल? हाँ जी, मैं खुद अब मेरी बहन को रेफ़र करने के लिए कह रही हूँ, इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह वो इलाज के लिए। अब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर। हमारे पास एमलोसा इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिसर्च सेंटर है हमारा, जो जयनगर 9th ब्लॉक पर है, 3rd फ्लोर पर, पिलर नंबर 90 पर। हमारे यहाँ देखिए वेरियस डिजीज़ पे हम लोग वर्कआउट करते हैं, और सबसे ब्यूटी हमारे जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की है, यहाँ पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, और इस रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्विक रिज़ल्ट है। सेम टाइम हमारे यहाँ हिजामा की प्रैक्टिस होती है, हिजामा पे हम लोग काम करते हैं, कैंसर पे कैंसर पैलेटिव सेंटर है हमारा। जैसे कि अभी हमारे एक पेशेंट को देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी वो क्योर हो गए हैं, वो पाइल्स फ्यूस्टुला और फिशरी। बेसिकली हम आज जो हमारा जो वो था जो था ये टेस्टिमोनी था, ये था कि भाई पाइल्स, बेसिकली पाइल्स होता क्या है, हमारे पास हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों का एक बड़ा बन एक इशू है हमारा, कि हमारे पास ऐसी चीज़ को शर्माते हैं हमारे बोलने के लिए, क्योंकि ये इसे आपको एक को नहीं है, हर एक को सोसाइटी में हर एक को होता है। तो इसके लिए हमारे पास लेडी डॉक्टर भी है, और इसके लिए इसकी बेसिक जो इसकी एटियोलॉजी रूट ऑफ कॉज ये है कि कॉन्स्टिपेशन, ये हमारे खाने पीने के जो जंक फूड्स यूज़ करते हैं, हमारे लेट नाइट खाना खाते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो थोड़ा सा हेवी होने की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन होता, कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्वेलिंग आती है, पाइल्स इज नथिंग बट थोड़ी सी स्वेलिंग आती है वहाँ पर एनल रेक्टम में, इसमें वहाँ पे एरिया में, वहाँ पर आने के बाद स्वेलिंग होती है, फिर वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, फिर जब स्टूल पास करते हैं थोड़ा सा पेन स्टार्ट होता है, इसी तरह से फिर उसके, ये तो पाइल्स के स्टेजेस है, 4 स्टेजेस है, आई वुड से कि स्टेजेस या फिर ग्रेड्स बोलेंगे हम। तो इनिशियली इसमें ब्लीडिंग होता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक वेट होता है और एक एक ब्लीडिंग के साथ होता है। तो इनिशियली अगर हम इसको इनिशियली हम अगर से क्योर करेंगे या हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे हमारे खाने पीने के स्टाइल को, तो हम इसको काफ़ी कवर कर सकते हैं। और हमारे पास तकरीबन एक चीज़ नहीं है, जितने भी हम क्रॉनिक केसेस को भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मोस्ट प्रोबेबली बाहर जो जितने भी अदर 35 के लोग जो आके हैं वो होपलेस होते हैं, जब हमारे पास आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट शोर के थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट का तो अच्छे चांसेस है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप पीछे देखें हमारे जो पेशेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ कम्प्लीटली क्योर, सो आप भी हमारे पास आ सकते हैं, आके अपना ट्रीट करवा सकते हैं। तो हमारे पास एक नहीं है, जितने भी क्रॉनिक डिजीजेस है, पैरालाइज है, इनफर्टिलिटी है, कैंसर का है, और अपने किडनी स्टोन है, CKD के लिए है, फिर लंग्स इशू है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम केसेस को हम लोग देखते हैं, और डे केयर हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पर। तो सर आपसे कोई रब्ता करना चाहे, कॉन्टैक्ट करना चाहे, तो आप
आपका नंबर है? जी हमारा देखिए नंबर हमारा 709 है, 709-111-5796। एक और एक नंबर है 7353733666। आप ये नीचे के नंबर को आप इसको कांटेक्ट कीजिए और आने से पहले थोड़ा अपॉइंटमेंट लेकर आइए। आने नहीं होता, कोई बुजुर्ग होते हैं तो उनके लिए क्या आप घर जाके ट्रीटमेंट कर सकते हैं? जी बेशक, हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं। रिसेंट टाइम में ही देखे थे हम कि कोविड का पेशेंट था, हम घर पे भी जाके जैसे कि ऑन कॉल बोल सकते हैं वुड से कि ऑन कॉल होता है, हम घर पे भी जाकर देखते हैं, उसके सेपरेट कंसल्टेंट होती है, उस कंसल्टेंट जो फीस होती है। तो क्या कहना चाहेंगे सर आपको? देखिए अब आज के दौर में देखिए आप करंट जो सिनेरियो है, तकरीबन हमारा जो लाइफस्टाइल है खाने पीने का, उसके लिए हम कॉन्सेंट्रेट करनी चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास विदाउट साइड इफेक्ट नो सर्जरी, सबसे ब्यूटी हमारी सबसे बेहतरीन ये है। तो हम अगर चाहे सर्जरी से और साइड इफेक्ट से बचना चाह रहे हैं तो हमारे पास आइए एंड ट्रीटमेंट करवाइए। जज़ाकअल्लाह।